Subscribe to my channel and click on the bell icon. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ व्हील मैनिया पीके। तो आज फर्स्ट वीडियो मेरी जो है वो गाड़ी के बारे में है। तो जिस गाड़ी का आज मैं रिव्यू करूँगा वो है कोरोला GLI 1.3 मैनुअल। तो इस गाड़ी का मैं आपको रिव्यू दूंगा, इसकी प्राइस के बारे में बताऊंगा और इसकी स्पेक्स के बारे में बताऊंगा, और इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको इस गाड़ियों के रिव्यूज़ भी मिलेंगे और बाइक्स के रिव्यूज़ भी मिलेंगे। तो चलें इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अब तो गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रंट पे हेडलाइट के अंदर आपको दो हेलोजन बल्ब्स मिल जाते हैं, एक लो बीम के लिए और दूसरा हाई बीम के लिए। और फ्रंट बम्पर ग्रिल आप इसकी देख सकते हैं, काफ़ी स्टाइलिश फ्रंट बम्पर ग्रिल है इसकी, और बॉडी कलर के साथ ये मैच कर रही है। और नीचे आएँ तो नीचे साइड्स पर आप देख सकते हैं इसके फॉग लैंप्स की जगह दी गई है, क्योंकि 1.3 है ये, इस वजह से टोयोटा इसके अंदर पहले से लगा के नहीं भेजती, ये जगह दे दी है उन्होंने। तो आप अगर ख़ुद लगवाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं। और फ्रंट लुक भी इसकी बहुत अच्छी है। और साइड मिरर्स आप इसके देख सकते हैं, साइड मिरर्स के ऊपर ये एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है जो जब आप इंडिकेटर चलाएंगे तो ये ग्लो करेगा। और टायर्स की बात करें तो टायर का जो साइज़ है वो 195/65 इसका साइज़ है, और 15 इंच के ये अलॉयज़ हैं। इसके चारों टायर्स पर आपको डिस्क मिल जाती है, फ्रंट पर आपको वेंटिलेटेड डिस्क मिलती हैं और रियर पर आपको सॉलिड डिस्क मिल जाती हैं। तो गाड़ी की रियर लैंप्स की बात कर लेते हैं। तो रियर लैंप्स के अंदर आपको LEDs मिल जाती हैं, और नीचे की बात करें तो नीचे आपको दो रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं साइड पर बैक बम्पर के ऊपर। और गाड़ी की जो बैक LEDs हैं वो भी काफ़ी ब्राइट हैं, और बैक लुक भी इसकी बहुत अच्छी है। इसकी सस्पेंशन की बात करें तो जो आपको फ्रंट पर सस्पेंशन मिलती है वो है मैकफर्सन स्ट्रट, इसकी फ्रंट पर सस्पेंशन है, और रियर पर आपको टॉर्सियन बीम इसकी सस्पेंशन मिल जाती है। और अब गाड़ी का ट्रंक की बात कर लेते हैं। तो जो इसका ट्रंक है वो 470 लीटर्स का है ट्रंक इसका, और स्पेस भी आपने भी देखी, बहुत स्पेस है इस गाड़ी की, गाड़ी के बैक ट्रंक के अंदर आप काफ़ी सामान इसके अंदर रख सकते हैं। और इसके शीट के नीचे आपने देखा वो सब कुछ आपको मिल जाता है जो हर गाड़ी में मिलता है। और इंजन की बात कर लेते हैं, तो इंजन जो इसका है वो 1300 cc है, इसकी डिस्प्लेसमेंट 1299 है, और इसका इंजन इन लाइन 4 सिलेंडर इंजन है इसका, वाटर कूल्ड। और फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो इसका है वो है SFI सीक्वेंशियल मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन। और वेल्व्स की बात करें तो 16 वेल्व्स DOHC इंजन है, डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट विद VVTi टेक्नोलॉजी। और इसके मैक्सिमम आउटपुट जो ये हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है वो है 84 जो 6000 RPMs पे ये प्रोड्यूस करता है। और मैक्सिमम टॉर्क जो इस इंजन की है वो है 121 Nm जो 4400 RPM पे ये प्रोड्यूस करता है। और इस गाड़ी के अंदर आपको ABS सिस्टम मिल जाता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। और अब आपको इस गाड़ी का साउंड टेस्ट करवाएंगे, और फिर इसकी ये थी अब एक्सटीरियर की बात, तो अब इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं। तो अब गाड़ी के इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर में सबसे पहले इसके मीटर की बात करते हैं। तो मीटर के अंदर आपको फ्यूल एवरेज पता चल जाती है, टाइम ट्रिप मीटर इसके अंदर मौजूद है और एट्सेट्रा। और इसकी राइट साइड की बात कर लें तो ये राइट साइड पे आपको इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और लो बीम हाई बीम। और लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड पर आपको वाइपर्स कंट्रोल करने की ऑप्शन मिलती है। स्टेयरिंग इसका खाली खाली है, स्टेयरिंग के अंदर आपको कुछ नहीं मिलता, और इसका जो स्टेयरिंग है वो पावर स्टेयरिंग है। और अब ये नीचे आए तो ये जो इसका ऑप्शन है ये है मिरर्स को कंट्रोल करने के लिए, मतलब आप अगर सीट के ऊपर पैसेंजर सीट के ऊपर बैठे अपना मिरर कंट्रोल कर सकते हैं। आपको बाहर उतर के या फिर शीशा खोल के आपको इसका मिरर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं से इसका मिरर कंट्रोल कर सकते हैं। और अब इसके AC वेंट्स की बात कर लेते हैं। तो AC वेंट्स की थ्रो भी बहुत अच्छी है, और ये इसके 4 इंडिकेटर्स के ऑप्शन है, और 4 इंडिकेटर्स इसके ऑन हो गए। और अब उसके नीचे आ जाएं तो नीचे आपको CD प्लेयर मिल जाता है, यहाँ आप अपनी LED लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं।
और अब इसके अंदर आपको फोर स्पीकर्स मिल जाते हैं, एक ये लेफ्ट साइड पे, एक राइट डोर पर। आपको फ्रंट डोर्स पर स्पीकर्स मिल जाते हैं, रियर डोर्स पर नहीं मिलते हैं, रियर साइड पर आपको मिल जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरफ मिलते हैं। और अब इसके वहाँ से ज़रा नीचे आएँ तो इसके डायलर्स की बात कर लेते हैं। तो जो इसका पहला डायलर है वो है आपको कूलिंग सेट करनी है या हीट लेवल सेट करना है, और ये दरमियान वाला जो है इसका वो है कि आप कितना प्रेशर से करना चाहते हैं, और जिसका जो लेफ़्ट साइड वाला है वो है कि आपको हवा किधर चाहिए, पाँव पे चाहिए, सर पे चाहिए। और ट्रांसमिशन इसकी पाँच है, पाँच गियर के साथ है ये। और ये इसकी हैंड ब्रेक है, ये जो है ये इसके दो कप होल्डर्स हैं, इसके अंदर आपको फ्रंट पे दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं। और ये इसका आर्म रेस्ट है, आर्म रेस्ट इसके अंदर आप अपनी एक्सेसरीज रख सकते हैं, काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। और ये अब डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर भी काफ़ी स्पेस है, आप इसके अंदर भी अपना कोई शॉपर, छोटा शॉपर वगैरह रख सकते हैं। और अब इसके डोर की तरफ आ जाते हैं, तो इसके डोर पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं फ्रंट ड्राइवर डोर पर। तो ये वाली जो फ्रंट सबसे पहली वाली ऑप्शन है, ये है मिरर को लॉक करने के लिए, और ये है गाड़ी को अनलॉक या लॉक करने के लिए। और जो ये ऑप्शंस हैं ये हैं मिरर्स को कंट्रोल करने के लिए, मिरर अप डाउन करने के लिए। और अब इसके रियर की तरफ चलते हैं। तो अब रियर साइड पर आपको ये दो रियर सीट्स पर पॉकेट्स मिल जाती हैं, जिसके अंदर आप अपने सामान रख सकते हैं। और ये इसके बॉटल होल्डर है, यहाँ आप बॉटल भी रख सकते हैं, कप रख सकते हैं, जो मर्ज़ी रखना चाहें। दूसरे डोर पर भी वही सब कुछ आपको मिल जाता है, और क्योंकि ये GLI है तो इसी वजह से आपको वो हाथ से नहीं करना पड़ता, हाथ से मिरर खोलने की ज़रूरत नहीं। इस तरफ जो है, इस तरफ अभी आपको आर्म रेस्ट मिलता है, मगर कोशिश करवाई हुई है तो आर्म रेस्ट इसका छुपा दिया है। और ये जो दो स्पीकर्स की मैं बात कर रहा था वो इस तरफ हैं, इसके दो स्पीकर्स। और इसके स्पीकर्स भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं इसके स्पीकर्स। और इसके पेट्रोल टैंक जो है वो है 55 लीटर्स का है इसका पेट्रोल टैंक। आपको ये गाड़ी तकरीबन 13 किलोमीटर एवरेज देती है, और ये सिटी में एवरेज देती है 13 किलोमीटर, और अगर आप बाहर चलाएं मोटरवे पर तो वो आपको तकरीबन देगी 15-16 किलोमीटर्स आपको एवरेज देगी। तो अब लास्ट में बात कर लेते हैं इस गाड़ी की प्राइस की। ये 2012 मॉडल है, तो आपको तकरीबन 12 से 13 लाख में मिल जाएगी, बाकी कंडीशन में डिपेंडेंट है। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।